अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओप्पो F19 प्रो वाला फोन अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइस 50,000 से अबव ही है। तो ये वाला फोन जो आ रहा है F19 वाला, इसकी प्राइस 30,000 से 35,000 तक आपको मिलेगी। तो ये फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, तो इसकी प्राइस क्या जो लेकर आ सकते हैं और कब तक पाकिस्तान में मिल सकता है, इसके बारे में भी बताता हूँ। फोन अगर आप देखें, अमेजिंग किस्म की लुक आपको मिलती है, जिसपे हमेशा ओप्पो काम भी करता है। तो काफी ये स्लिम फोन है और देखने को भी काफी ठीक ठाक लगता है। 7.95 mm ये थिकनेस पे आता है मिड रेंज के अंदर, और 175 ग्राम इस फोन का वेट है। काफी लाइट वेट सा फोन है। बैक पे आपको 3 कैमरे मिलते हैं, साथ में एलईडी फ्लैश है। तो इसमें डिस्प्ले एमोलेड वाला है 6.43 इंच का, और ये 5 होल के साथ आता है। 1080p की फुल HD की इसमें रेजोल्यूशन मिलती है। काफी ब्राइट ये डिस्प्ले है, इसमें 800 निट्स तक ब्राइटनेस मैक्सिमम कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स इसमें मिलता है, कलर ओएस 11.1 के साथ। तो इसमें परफॉर्मेंस जो आपको मिलेगी, स्नैपड्रैगन 662 वाला चिपसेट लगाया गया है, जो कि एक बेसिक सी परफॉर्मेंस देता है। इसके जो एंटीटू स्कोर है वो ऑलमोस्ट 2,00,000 से कम ही आपको मिलते हैं, 1,80,000 के करीब मैक्सिमम। और ये एक बेसिक सा चिपसेट है, इतनी हाई परफॉर्मेंस भी नहीं देगा और इतनी बेकार किस्म की भी नहीं देगा। 6GB रैम है इसमें, जो कि LPDDR4X वाली है, और 128GB की इसमें स्टोरेज है। एक ही वेरिएंट है जो कि आपको पाकिस्तान में भी मिल सकता है। 3 कैमरे बैक पे हैं, 48 MP का मेन कैमरा है 1.7 अपर्चर के साथ। तो लो लाइट में आपको ठीक ठाक फोटो इधर मिल जाएंगे। दो कैमरे बाकी के 2-2 MP के हैं इसमें, और 1080p में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में। 16 MP की इसमें सेल्फी मिल जाती है, इससे भी 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS तक। सिंगल स्पीकर इसमें दिया गया है, वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ 5.0 वाला है। टैप सी वाला चार्जर मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है, और बाकी जायरोस्कोप वगैरह सभी सेंसर इसमें मिल जाते हैं। 5000 mAh की इसमें बैटरी लगाई गई है, और साथ में 33 W की फास्ट चार्जिंग है, जो कि 54% बैटरी सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज कर देगी। अगर आप फोन देखें, लुक वाइज काफी ठीक ठाक है अगर अच्छी प्राइस में ले आते हैं तो। इससे पहले इन्होंने F17 वाला काफी स्लिम और अच्छा फोन था, इसी वाले चिपसेट के साथ पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन वो 8GB रैम 128GB वाला वेरियंट है, जिसकी प्राइस इन्होंने 40,000 रखी हुई है, लेकिन डिस्काउंट वगैरह के साथ 37,000-36,000 तक का मिल जाता है। ये वाला फोन भी सेम उसी चिपसेट के साथ आ रहा है, 2GB रैम भी कम है। तो 30,000 तक अगर आपने कोई फोन लेना है, डिस्प्ले सुपर एमोलेड वाला हो, परफॉर्मेंस भी आपको नॉर्मल यूजेस के लिए ठीक मिल जाएगी, गेमिंग वगैरह भी इस पे कर सकेंगे आप, लेकिन इस प्राइस में आपको इससे तगड़े चिपसेट मिल जाएंगे, तो गेमिंग के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है ये फोन। तो 30,000 की प्राइस में ओवरऑल सब कुछ आपको ठीक चाहिए, कैमरे भी अच्छे हों और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाए, तो काफी अच्छा जो ऑप्शन है। ये वाला फोन अप्रैल के लास्ट या नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ही जल्द मिल सकता है पाकिस्तान में, अराउंड 30,000 से 35,000 की प्राइस में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस फोन की प्राइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कोई भी आपका क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।